Hello everyone, good morning. Today you are welcome to chemistry classes. आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. यह आपका चैप्टर नंबर 13 है केमिस्ट्री के, 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 13. ओके, इसमें कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंटेनिंग करते हैं नाइट्रोजन. तो हमें पहले वो पता होना चाहिए कि बेटा इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कर रहे हैं कि दो इंपोर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स है कि इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन कंटेनिंग नाइट्रोजन. हमें वो फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने हैं पहले कि भाई कौन कौन से हमारे पास नाइट्रोजन एट को ले रहे हैं Under as follows. देखिए पहले हमारे पास आ रहा है कि जो नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है CN, first CN जिसको आप कहते हैं साइनाइड. क्या कहते हैं आप उसको? साइनाइड. CNR क्या आ रहा है हमारे पास? साइनाइड. हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया आपके पास साइनाइड CN. अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपके पास क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड N. क्लियर. अब आपके पास सेकंड है NC, आइसोसाइनाइड. क्या बनाए भाई? N नाइट्रोजन ले रहे हम, NC उल्टा हो गया इसके पास, N और C आपके पास. ठीक है, NC डबल बॉन्ड C और ये बॉन्ड, ये हो गया आपका आइसो साइनाइड. दीज ये हमारे पास नाम कहते हैं आईपीसी सिस्टम में साइनो आइसोसाइनो. अकॉर्डिंग टू एन के नाम लेते हैं तो हम लेते हैं नाइट्राइल आइसो नाइट्राइल. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रो ग्रुप थर्ड एनओ टू नाइट्रो, फोर्थ ओ एन ओ नाइट्राइड. क्या हो गया? नाइट्रो और नाइट्राइड. देखिए यहां लिंकेज किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ है. और इसके साथ लिंकेज कहां है? ऑक्सीजन है हमारे पास. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है तो दोनों का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर. जब आपके पास एन ओ पास क्लियर, ये किसका हो गया? नाइट्रो का, एनओ टू का. और यह आपके पास किसका हो जाएगा? हमारे पास ओ एन ओ. These are four आपके पास है. क्या कह रहे हैं भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं विच कंटेनिंग नाइट्रोजन. हमारे पास तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन में है, तो इन सभी में देखो नाइट्रोजन है हमारे पास. अब हमारे पास फिफ्थ NH2, सिक्स NH, सेवंथ N. ये आपके पास है All these three, one degree amine, ये है two degree amine और ये है three degree amine. One degree को हम कहते हैं primary, secondary, tertiary amines. ठीक है, एक और next हमारे पास N2 positive. N2 पॉजिटिव डाई एजो. क्या है आपके पास? डाई एजो. आप इसका जो स्ट्रक्चर लिखते हो N डबल बोन N दिस, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. नाइन्थ हमारे पास ये हो गया N2 डाई एजो आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास NO. नाइट्रोसो. क्या हो गया आपके पास? नाइट्रोसो. ये आपके पास है नाइट्रोसो. स्ट्रक्चर आपके पास N डबल बॉन्ड. टेंथ, दसवां जो आपके पास टेंथ जो ग्रुप है हमारे पास है खाली NH. सॉरी NH तो आपके पास हो गया, सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास.
इससे अब आपका टर्शियमाइन है, ये आपके पास है इमिनो एन एच डबल बॉन्ड के साथ इमिनो स्ट्रक्चर बना लेंगे एन और एच। तो दीज आर योर मेन फंक्शनल ग्रुप विच कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, ठीक है, वो आपके पास नाइट्रोजन एटम को ले रहे हैं, तो ये आपके पास मेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये हम इसमें पढ़ेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, अब इनके कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम भी बात करते हैं, क्लियर, ये सारे आपके पास। अब बात करते हैं भाई, हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी है, आपके पास इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है अमाइंस, कि अब बात करें किसकी, अमाइंस हमने पढ़ा, अमाइंस तीन आपके पास NH2, NH, NN, ये अमाइन है, 1 degree, 2 degree, and 3 degree अमाइन। आपके पास एक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को हम कर चुके हैं। अमाइंस हमारे पास क्या होते हैं कि क्लासिफाई किया तो अमाइंस को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आपके पास के लिए, ठीक है। अमाइंस क्या कहते हैं, डेरिवेटिव होते हैं ऑफ अमोनिया विच ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट, जो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं अमाइंस, जो रिप्लेसमेंट जो हमारे पास बनते हैं किससे, रिप्लेसमेंट वन और मोर हाइड्रोजन एटम, किसके द्वारा, बाय एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा। किसी भी अमोनिया में, जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव है एन एच, ये ले लिया हमने, ठीक है, अब इनके क्या किया हमने, अब आपके पास रिप्लेस किया गया वन हाइड्रोजन एटम को, किसके द्वारा रिप्लेस किया गया भाई, किसी भी एनी एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा, ओके, कोई भी एनी एल्काइल या एराइल ग्रुप एक इसको हटा देगा और आपके पास क्या बना देगा, एक आर एक हट गया और आपके पास बन गया एन H और H, ठीक है। दीज आर द अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड इन विच क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय एनी एल्काइल या एराइल ग्रुप। ये आपके पास हो गया एक हटा दिया आपके पास वन डिग्री, ऐसे ही क्या किया, रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम R N R डैश H, ये हो गया टू डिग्री। ऐसे हमारे पास क्या गया, थ्री हाइड्रोजन एटम आर एन आर डैश डबल डैश, ये हो गया थ्री डिग्री। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, एंड दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम वन टू मोर देन टू आप पास किसके द्वारा, बाय एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। हमारे पास अभी प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास है। अब इसमें आपके पास कई बार क्या कहते हैं कि इनके अलावा भी, हमारे इन तीनों के अलावा कई बार हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है कि अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड बिलीव दैट थ्री टाइप्स ऑफ अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, क्लियर। इसके बाद आपके पास कहते हैं कि भाई कि इन विच नाइट्रोजन एक हमारे पास कहते हैं कि टाइप्स ऑफ अमाइंस, क्या इन तीनों के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन कंटेन्स करता है क्वार्टनरी, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग क्वार्टनरी क्वार्टनरी कंपाउंड होता है नाइट्रोजन, वो क्वार्टनरी कंपाउंड क्या होगा भाई हमारे पास, क्यूलाइज करेगा आपके पास किस फॉर्म में, NH4 अमोनियम आयन जिसको आप कहते हो, ठीक है, NH4, ठीक है आपके पास, और वो आप आए रिएक्शन दिखा देगा NH4X, जो आपके पास 4 हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो आपके पास NH4 4R, ये देखिए ये अमोनियम क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट है, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट, जो आपके पास क्या कह रहा है कि NH4 पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसमें क्या है कि 4 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, 4 एल्काइल जोड़ दिए,
एन आर फोर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। देखिए ये क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट आपके पास बना रहा है, ठीक है, ये कैसा क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट आपके पास बना रहा है, ठीक है। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा तो चार हो गया, एल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये आपने क्या बना दिया इन्होंने, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। क्लियर भाई बात आपके पास। अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो भाई, इसकी जगह एनके आपके पास आर है, एल्काइल है, तो आप यहां कुछ भी दे दीजिए हमारे पास। अब क्लासिफाई करते हैं हमारे पास नॉमेनक्लेचर उनका, तो ये आपके पास चार बनाता है, तो सिंपली आप लोगों को पता होना चाहिए चारों कौन से हमारे पास, देखते हैं अगेन देखते, देखिए मैं लिखा गया पास एन एच फोर पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन हटा दिया एन एच थ्री, फिर एक हाइड्रोजन हटा दिया एन एच टू, फिर एक हाइड्रोजन हटा दिया एन एच, और फिर एक हाइड्रोजन हटा दिया एन, ये देखिए ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है सारे अमाइंस के, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, अमोनिया एंड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आपके पास, इनके बारे में डिस्कस अबाउट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अभी आपके पास बात करते हैं किसके, एलिफेटिक्स और एरोमेटिक्स अमाइन, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं एलिफेटिक्स अमाइंस। देखिए हम इससे पहले बार एलिफेटिक्स में क्या रहते हैं, सिंपल सी है विच कंटेन ए कार्बन चेन, विच कंटेन ए कार्बन चेन, क्लियर है, कार्बन चेन क्लियर है। अब कार्बन चेन देखिए हमारी किसमें आ रही है, एल्काइल में। अब एल्काइल में क्या है, एक सी एस थ्री, एक कार्बन बढ़ा दीजिए दो हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला दिस सीरीज भाई बाय एडिंग ऑफ सी एच टू, तो आप एक बढ़ा दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटेट्रा, क्लियर। आज अब हमें एलिफेटिक्स में क्या कह रहे हैं हमारे पास, इस टाइम कहते हैं कि अमाइंस ऑफ नाइट्रोजन एटम मे बी बॉन्डेड वन और मोर, कि अमाइंस होती है कि वो कहते हैं बॉन्डेड होती है वन और मोर किसके साथ, एल्काइल कार्बन चेन, एल्काइल चेन कह सकते हो, एल्काइल कार्बन चेन कह सकते हो, ठीक है, एल्काइल चेन। अब वो एल्काइल चेन कौन कौन सी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लिया उन्होंने सी एस थ्री एन एच टू, देख इसका नाम क्या है, मिथाइल, ये क्या है अमाइन, नाम क्या हो गया मिथाइल अमाइन, क्या नाम हो गया मिथाइल अमाइन। अब इसको एक और हटा लिया हमने, एक हाइड्रोजन और हटा दिया, एक एरा और एक एरा, डाई मिथाइल अमाइन, एक मिथाइल दो मिथाइल, डाई मिथाइल और ये हो गया अमाइन, एक और ले लिया हमने एक दो तीन, तीन के लिए क्या हो गया भाई हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन। देखिए आपके पास सारे के सारे क्या कंटेन कर रहे हैं, एक एल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में आपके पास क्लियर है, ठीक है, ये आपके पास है कुछ नॉमेनक्लेचर एलिफेटिक्स अमाइन जिसमें कार्बन बाउंडेड होता है, कार्बन चेन किसके साथ, एल्काइल वन और मोर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या कहते हैं दूसरे, एराइल यानी एरोमेटिक अमाइन, इसमें क्या है एरोमेटिक विच कंटेन बेंजीन रिंग, विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, जहां आपने सी एस थ्री जोड़ रखा है वहां हम क्या जोड़ देंगे, बेंजीन जोड़ देंगे, ठीक है, ये लीजिए एक बेंजीन जोड़ दिया, बेंजा अमाइन हो गया, बेंजा अमाइन, बेंजीन अमाइन, या इसको कहते हैं एनिली, एनिली आपके पास, ठीक है। अब हमने दो जोड़ दिया हमारे पास एनिली बोलते, दो जोड़ दिया हमने इसके साथ एन के साथ, एक तो एच हो गया, एक ये रहा आपके पास एक की फिनाइल, ये बेंजीन है
और ऊपर आ गया एक एच को हटा दिया तो सी सिक्स एच फाइव दैट इज योर फिनाइल। अभी क्या हो बेटा, एक ये रही आपके पास, एक ये रही डाई फिनाइल अमाइन। क्या हो गया, डाई फिनाइल अमाइन। ऐसे एक इस एच को हटाएंगे, एक को जोड़ देंगे, हमारे पास क्या हो जाए, ट्राई फिनाइल अमाइन। ठीक है, और इसको कहते हैं, अगर ये हमने इस टाइप की बनाई है तो इनको कहते हैं एराइल अमाइन। क्या कहते हैं इनको, एराइल अमाइन, जिसमें डायरेक्ट जुड़ रही हो बेंजीन रिंग के साथ, क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा हो। ठीक है, आपका अमाइन क्या है, जुड़ रहा डायरेक्ट। अब दूसरा एराइल एल्काइल, एराइल एल्काइल अमाइंस, दूसरी क्या है, एराइल एल्काइल अमाइंस। इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप है NH2, जो अमाइन है, ये हमारे पास अमाइन बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप में, ये डायरेक्ट ना जुड़ के किसके साथ जुड़े, एक बैक कार्बन के साथ, एक कार्बन चेन के साथ, ये हो गया CH2 और NH2। तो डायरेक्ट जुड़ के नहीं है, किसके साथ जुड़ रहा है वो, कार्बन चेन के साथ। ठीक है ना, हमारे पास किसमें, अमाइन्स के नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द साइड चेन ऑफ फेरोमोन। हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम में क्या हो, साइड चेन में हो। तो ये आपके पास क्या थे भाई, हमारे पास बेंजाइल अमाइन, ये हम CH2 क्या कहते हैं, बेंजाइल, ये नाम हो गया बेंजाइल। NH2 क्या हो गया आपके पास, अमाइन। क्या हो गया, अमाइन। तो ये आपके पास दी जाता है टू टाइप्स, एरोमेटिक अमाइन, एराइल अमाइन, एराइल एल्काइल अमाइन। दिस एराइल अमाइन में क्या है कि फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसमें किससे, कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, एंड दीज आर ऑफ योर टू टाइप्स ऑफ अमाइन, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब नेक्स्ट आपके पास है, इनके अलावा अगर आपके पास लाइन हो जाए, आपके पास टू टाइप्स ऑफ अमाइन, सिंपल सिंपल अमाइन एंड मिक्स अमाइन। दो टाइप्स का अमाइन और आपका वे सिंपल सेकेंडरी और टर्सरी जो अमाइन्स होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन्स, वो आपके पास कहते हैं कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल अमाइन्स एंड मिक्स अमाइन्स। सिंपल अमाइंस क्या होते हैं हमारे पास, नेमली को दिया सिंपल और मिक्स्ड में, कि एल्काइल इफ एनी एल्काइल और एराइल, इफ एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आपके पास क्या हो, बॉन्डेड हो टू नाइट्रोजन एटम्स आर सेम, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या हो, कोई भी एल्काइल है या एराइल है, वो ग्रुप आपके पास बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ सेम, सेम नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप पास क्या कहते हैं, इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम्स आर सेम दैट इज कॉल्ड सिंपल अमाइंस, एंड डिफरेंट दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड अमाइन। अलग अलग है तो आपके पास क्या हो, मिक्स्ड अमाइन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लेते हैं सिंपल अमाइंस का एग्जाम्पल, हमने लिया आपके पास C2H5, दो ले लिए C2H5 and C2H5H, क्लियर है। तो आपके पास देखिए दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इथाइल है, डाई इथाइल अमाइन। क्या हमने कहा, डाई इथाइल अमाइन, क्लियर है आपके पास, ये नाम होगा डाई इथाइल अमाइन। और इसी पे अगर मैं इनकी जगह आप ले लीजिए C6H5 C6H5, तो भाई इथाइल की जगह क्या आ जाएगा, फिनाइल, क्या आ जाएगा, फिनाइल, अगर हमने C6H5 इनकी जगह ले लिया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल अमाइंस। मिक्स्ड अमाइन के आपके पास क्या, अलग अलग आ जाए हमारे पास मिक्स्ड अमाइन, C2H5NH और CH3, ये ले लिया हमने एग्जांपल C2H5। देखिए CH3 भी अलग है, C2H5 भी अलग है, दोनों अलग अलग है हमारे पास। तो क्या करेंगे, हमारे पास
लिक्विड का नाम मिथाइल, ये रहा हमारे पास भाई इथाइल, मिथाइल अमाइल। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास जो पहले है इसको पहले लिख देते हैं, तो क्या हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल अमाइल, क्या है इथाइल मिथाइल अमाइल, क्लियर यहां पे हमारे पास। तो दीज आर द टू टाइप्स की सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, सिंपल अमाइंस और मिक्स्ड अमाइंस, सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइंस। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइन। भाई अमाइंस में हमारे पास बात करें तो अमाइंस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या नाइट्रोजन है NH3, उसमें नाइट्रोजन अमोनियम, इसमें हमारे पास देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, पहला आता है हमारे पास दो टाइप फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑप्टिकल। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब जहां पे आपको सिंबल को डॉट सिंबल में लिखना है इलेक्ट्रॉन्स को हमने, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने क्या लिखना है एन एच एच और एच, तो इनके आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया इसका अमाइंस का, किसका हुआ ये अमाइंस का। अब भाई इनको रिप्लेस कर दो, यहां का लगा दो आर लगा दो, स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मीन्स उसके पास क्या होता है डॉट सिंबल स्ट्रक्चर, क्या उसका डॉट सिंबल स्ट्रक्चर। जो अमोनिया कहते हैं नाइट्रोजन एटम हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द क्रिया थ्री ऑर्डर एटम्स एंड द कार्बन एटम्स इन केस थ्री डिग्री अमाइंस टू कार्बन एटम्स वन हाइड्रोजन एटम। देखिए हम एक क्या वन डिग्री, एक एच को हटा दे फिर दूसरा लगा दे कार टू डिग्री, फिर ये लगा दे कार थ्री डिग्री, तो ये तो सारे तीनों क्या हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसका सेकेंड ऑप्टिकल पिक्चर्स या स्ट्रक्चर। लाइक अमोनिया कहते हैं नाइट्रोजन एटम होता है ऑफ अमोनियम, आपके वो कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम लेता है हमारे पास NH3, आपके पास कैसी हाइब्रिडाइजेशन लेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है कि अजप्शन हमारे पास sp3 हाइब्रिड स्टेट है और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन आर यूज टू फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन क्या करता है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमारे पास, ठीक है 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक आपके पास है लोन पेयर, एक आपके पास क्या है लोन पेयर है हमारे पास। ठीक है, जो आपके पास ये जो बॉन्ड कह रहे हैं हमारे पास ये आ गया आपके पास CH3, यहां हमारे पास जुड़ रहा है, यहां आपके पास CH3, या आपके पास CH3 एंड द बोन एंगल इन बिटवीन देम, ये आपके पास बोन एंगल क्या लाइन होता है। ठीक है, बोन एंगल कितना होगा 108। तो ऑप्टिकल में क्या कह रहा है नाइट्रोजन एटम हमारे पास बाउंडेड होता है कि नाइट्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप वेयर एज फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हीरा। ठीक है, और 10 क्या कह रहा है हमारे पास कि अमाइंस आपके पास हैज या एक्वायर ए पायरामिडल शेप। ठीक है, ए पायरामिडल शेप लाइक अमोनिया, कि एक पायरामिडल शेप ही आपके पास कैसे शेप है पायरामिडल शेप है अमोनिया की तरह हमारे पास लेती है। ठीक है, दैट इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। नाइट्रोजन क्या करता है हमारे पास ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर 3H और ये हमारे पास पायरामिडल शेप लेता है। ओके, अब वो आपके पास कह रहा है कि इनके तरह हमारे पास
कि जो भी आपके पास शेप की जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दिखाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाएं बच्चों, आपके पास sp3। तो दैट इज योर आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमोनिया, sp3 ये आपका स्ट्रक्चर भी है अमोनिया का, ठीक है। ये आपके पास टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर्स, सम ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ अमाइन्स। थैंक यू।